महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पुणे की पिपरी सीट पर घमासान शुरू। वोटरों के मुद्दे, ट्रैफिक, सफाई, सुरक्षा, महिलाएं नेताओं के रवैये से नाखुश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुति को पिपरी चिंचवाड़ा की दो सीटों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि औद्योगिक शहर में तीनों सीटें गठबंधन के पास हैं, लेकिन इसके नेता बगावत करने या विपक्षी महाविकास अखाड़ी में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। मतदार संघ जो है पूरा आम आदमी का मतदार संघ है, और यहाँ पे रूरल एरिया बहुत सारा है, लेकिन आज भी इन परिसर जो है यहाँ का, तो यहाँ पे मूलभूत सुविधा वंचित बहुत सारी समस्या है। जैसे कि आप ड्रेनेज लाइन देखी जाए, पानी का समस्या है, यहाँ पे गुनहगारी बहुत बड़ी तैनात में है, यहाँ पे जो व्यापारी लोग है, व्यापारी लोग को यहाँ पे दमदाटी किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं मतदार संघ में। और सबसे ज्यादा जो है जो बेरोजगारी का है, पिंपरी चिंचवड़ शहर हुआ या अलग शहर हो, तो वहाँ पे महिला रहेगी, युवती रहेगी, विद्यार्थी रहेगी, वो सुरक्षित नहीं है। उनको बस सुविधा कॉलेज के सामने चाहिए थे, बस स्टॉप सामने चाहिए, जिस वजह से वो घर पे सुरक्षित पहुंच सके। ऐसे बहुत से घटना अभी पिंपरी चिंचवड़ शहर में होके गई। महिला कामगार काम को जाती है, उनको मूलभूत सुविधा नहीं है, ई टॉयलेट्स नहीं है। हमने पिंपरी चिंचवड़ शहर में हम देखे तो 3-3, 4-4 किलोमीटर के अंतर्गत ई टॉयलेट्स होना जरूरी है, पर हमारे शहर में ई टॉयलेट्स भी नहीं है महिलाओं के लिए। जो सरकार बोलती है कि बाहर शौच करना मनाही है, तो आप शौचालय बनाइए, क्योंकि मूल मुद्दा है वो। इसके साथ ही पुणे जिले के पिपरी सीट के वोटर अपने मुद्दों को जोर शोर से सामने ला रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार अभियान में विकास के लिए पार्टी के नजरिए के अलावा उनके मुद्दों को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरे मुद्दों के अलावा वोटरों की प्रमुख चिंता ट्रैफिक जाम को लेकर है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि जहाँ से हम पिपरी से मार्केट यार्ड में जाते हैं और जो पुलिया चढ़ते हैं, वहाँ पर भी काफी ट्रैफिक होता है। पिपरी चौक के बारे में जो जिम्मेदार हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, यही कि इस ट्रैफिक का क्या होना चाहिए। लोगों की समस्या कचरे की भी है। अपन पिंपरी से जाते हैं मार्केट यार्ड में और जो पुलिया चढ़ते हैं, वहाँ पे भी जितना ट्रैफिक होता है, जो हाईवे पे भी जो ट्रैफिक होता है पिंपरी चौक में, उसके बारे में भी वहाँ के जो अभी आमदार खासदार है, उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये ट्रैफिक का कैसा होना चाहिए। लोगों की जो बाकी की समस्या है, कचरे की समस्या है, पिंपरी MIDC जो भी आती है उसके अंदर भी जो कुछ भी नीट रिक्वायरमेंट्स है, वो भी उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या जो है, यहाँ जो दापोड़ से लेके निगड़ी तक जो हाईवे है, पुराना मुंबई पुणे हाईवे, वहाँ पे ग्रेड सेपरेटर बनाया गया है, उसके बाद BRT का रूट बनाया है, अभी मेट्रो का रूट बना रहे हैं, और अर्बन स्ट्रीट के माध्यम से 150 करोड़ रुपए खर्चा करके यहाँ पे अर्बन स्ट्रीट का काम चल रहा है। जो चौड़ा रास्ता था वो छोटा रास्ता बनाया जा रहा है, और बहुत पैमाने पे यहाँ पे वाहतूक की ट्रैफिक की समस्या है। इसके बारे में कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी MP हो या MLA हो, किसी के उसके। आपको बता दें कि महिला वोटरों के प्रमुख मुद्दों में सफाई, सुरक्षा है। वो कहती हैं कि पिपरी चिंचवड़ शहर में महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। उनको बस सुविधा कॉलेज के सामने चाहिए, बस स्टॉप सामने होना चाहिए। ऐसी बहुत सी घटना हुई जो शहर में हुई। महिला काम पर जाती है, उनको मूलभूत सुविधा नहीं है। ई टॉयलेट्स की बात भी करती हैं। महिलाओं का कहना है कि पिपरी चिंचवड़ में अगर हम देखें तो 3-4 किलोमीटर के अंदर ई टॉयलेट्स होना जरूरी है, पर हमारे शहर में ई टॉयलेट्स भी नहीं है। आपको बता दें कि पिपरी विधानसभा सीट मावल लोकसभा सीट का हिस्सा है। महाराष्ट्र की 288 सीट वाली विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। स्पेशल डेस्क, KNews India।